मैं भी यही सोच रही हूँ कि ये काम छोड़ के क्यों ना मैं कोई दूसरा काम ट्राई करूं। वेलकम बैक टू बी बिलीव इट रिया। सुबह का शुरुआत गर्म गर्म चाय के साथ, सो चीयर्स। एंड आज थोड़ा बिजी डे है मेरे लिए क्योंकि आज मेरा विजिट है, सो मैं निकलूँगी थोड़ी देर बाद ही। अभी बजे है 8। राणा का भी आज ड्यूटी है, सो आज पूरा दिन का शेड्यूल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं किया था मेरी कोई भी ब्लॉग्स में, पर आज मैं जब बिजी रहती हूँ, जब मेरा काम रहता है, तो कैसे मैं डे स्पेंड करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड इवनिंग को एक पार्टी भी है, सो जो हमें अटेंड करनी है, एंड वो एक और स्पेशल टॉपिक। एंड आई एम श्योर आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो सुन के आप लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होने वाले हैं, क्योंकि जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है आई एम श्योर, क्योंकि एक ऐसी टॉपिक है जो आप देखने से आपको पता चलेगा। मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, तो मैं चाय फिनिश कर लेती हूँ, फिर जाएंगे किचन में, फिर आपसे बात करते हैं। मैं आज कुछ ऐसा बनाने का सोच रही हूँ जो कि वन पॉट मील टाइप का है, सो उससे क्या होगा, जल्दी हो जाएगा मेरा खाना बनाना। एंड अगर मैं चावल बनाने लग पड़ी उसके साथ सब्जी दाल, फिर फिश या एग या चिकन वगैरह वगैरह जो भी हो, बहुत सारा कुछ, सो मैं सोच रही हूँ कि मैं वन पॉट मील बनाऊँ। एंड वो मैंने सोचा कि मैं आज एक बिरयानी बनाऊँगी, तो इससे एक फ़ायदा है कि अंडे भी घर पर है एंड इजीली बन जाएंगे एंड खाने में भी बहुत टेस्टी। ओके, मैंने अभी क्या सोचा है कि मैं अभी चावल चरा के एंड एक को बॉईल करने के लिए रख के मैं नहाने चली जाऊंगी, तो नहा के आने के बाद मेरा वो दोनों चीज़ हो जाएगी, तो वो दोनों चीज़ अगर हो जाए तो खाना बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ओके, सो जल्दी से जल्दी मैं वो काम निपटा लेती हूँ, फिर अब से मिलती हूँ। मैंने राइस बना ली है, आलू भी बॉयल हो गए हैं, अंडे भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। सो ऑलमोस्ट मेरा बिरयानी बन गया है, अभी इसको मैंने दम देने के लिए रखा है। ये देखो, अभी मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम में रखा है एंड इसको ढक देती हूँ। अगर आप चाहते हो तो इसको भी बंद कर सकते हो, पर मैं नहीं कर रही हूँ, उतनी ज़रूरत नहीं होती, हो जा बन जाती है अच्छी तरीके से। सो 15 मिनट्स बाद मैं इसको खोलूँगी एंड आप लोगों को दिखाऊँगी कि एक बिरयानी कैसी बनी। ये देखो बिरयानी बन गई है, एंड अभी तो मैं लंच नहीं करूँगी, विजिट ख़त्म होने के बाद घर आके ही लंच करूँगी। एंड इसके साथ मैंने एक करी भी बनाई है।
सो मैं आ गई हूँ, देखते हैं क्या लेना पड़ता है, क्या लेते हैं। तो अभी मैं चल रही हूँ, इवनिंग में जो पार्टी है उसका कुछ गिफ्ट खरीदना है, वो ही खरीदने, देखते हैं क्या मिलता है इधर से। अभी जब आ ही गई हूँ तो थोड़ा सा और कुछ खरीद लेते हैं, थोड़ा सा बाजार कर लेते हैं। अभी तो मैं चल रही हूँ, थोड़ा सा बाजार करूँगी क्योंकि इधर आई हूँ, हम लोग रात को आने वाले थे पर जब आ ही गई तो क्यों फिर रात को आना। ऑलमोस्ट सारा कुछ हो गया है, लेट भी हो गया है पर ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों इकट्ठे आते हैं। पर आज सोचा नहीं, आज टाइम नहीं मिलेगा, चली जाती हूँ, जल्दी जल्दी काम भी हो गया था, सो चली आई। अभी डायरेक्ट घर जाऊंगी और किधर भी नहीं रुकना है। मैं घर आ गई हूँ। घर आने के बाद अभी घर बहुत सारा काम है, झाड़ू लगाना है, किचन साफ करना है, अभी बहुत सारा काम है। अभी बजे है देखो 2:20 हो रहा है, अभी 2:20। सारा काम खत्म करके मुझे लंच करते करते 3:30 बज जाएंगे, तो मैं लंच वंच करके तो मैं लंच करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। सारा काम ख़त्म हुआ, अभी मैं लंच करूँगी एंड राणा तो पहले ही लंच करके ड्यूटी चले गए हैं। शाम हो गई है, अभी हमें तैयार भी होना है, 8 बज गए हैं शाम, बहुत लेट भी हो गया है। एक्चुअली राणा ड्यूटी से आ गए थे तो हम लोग थोड़ा चाय वाय पी रहे थे, फिर गप्पे मार रहे थे, ऐसे लेट हो गए, पर अभी जाना है, निकलना है। अभी हमें तैयार होना है क्योंकि इसके बाद अगर तैयार होने लग पड़े तो और ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो मैं चलती हूँ तैयार होने, तब तक आप ये स्पेशल टॉपिक देखिए आज का। अगर मैं कल रात को 2 बजे घर लौटूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? मैं तो बहुत सारे काम कर रही हूँ जिसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है, फिर भी मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रहा है? मेरे फ्रेंड्स XYZ काम करके बहुत सक्सेसफुल है, मेरी भी उस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्यों ना मैं वही काम करूं? कुछ दिनों से मैं एक काम कर रही हूँ पर मुझे उतना सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। फिर मेरे फ्रेंड ने भी मुझसे बोला या मेरे रिलेटिव ने भी मुझसे बोला, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, क्यों ना मैं ये काम छोड़ के कुछ दूसरा काम ट्राई करूँ। मैं भी यही सोच रही हूँ कि ये काम छोड़ के क्यों ना मैं कोई दूसरा काम ट्राई करूँ, क्योंकि ये इसमें मैं उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ। यही सब आप सोचते हैं ना जब आप कुछ करना चाहते हैं या खुद के लिए सोचते हैं। बिकॉज आजकल हम लोग क्या सोचेंगे ये ज़्यादा सोचते हैं, ना कि ये कि मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ, मेरी क्या क्षमताएं हैं, ये हम नहीं सोचते। एंड सिर्फ यही नहीं, हम तो कभी कभी खुद से भी झूठ बोल लेते हैं सिर्फ खुद के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। आज इसी रिलेटेड मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूंगी कि क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं जिस वजह से हम सक्सेसफुल नहीं बन पाते उतना ज़्यादा, हम किसी भी काम में सक्सेस अचीव नहीं कर पाते, खुद ही डिसअपॉइंट रहते हैं, खुद को लेके हम लोग हैप्पी नहीं है, क्यों, क्या क्या मिस्टेक्स हम लोग कर रहे हैं, उस खामियों को ही कैसे हम अपनी ताकत में बदल सकते हैं, तो उसी रिगार्डिंग आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ये है, मैं बोलूंगी सेल्फ एनालिसिस। ये हम में से बहुत सारे लोग नहीं कर पाते या ये कैसे करना है ठीक तरीके से हम नहीं समझ पाते। मान लीजिए कि मुझे डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं स्विमिंग अच्छा कर लेती हूँ, मैं पेंट भी अच्छा कर लेती हूँ, ठीक है, मुझे इन सारे चीज़ों में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट होना एंड उस चीज़ में खुद का एबिलिटी होना दोनों डिफरेंट है, दोनों एक नहीं है। मैं ये सारे चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट हो सकता है पर मुझे पहले ये जानना है कि इन सारे चीज़ों में से मेरी एबिलिटी किन चीज़ों में है। मैं डांस में मेरी इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी एबिलिटी उसमें 100% है। आज मैंने सोच लिया कि चलो यूट्यूब में हूँ तो यूट्यूब रिलेटेड ही बता देती हूँ,
कि यूट्यूब में मुझे डांसिंग रिलेटेड चैनल खोलना है, क्योंकि मुझे डांसिंग में इंटरेस्ट है एंड मैं थोड़ा बहुत डांस कर भी लेती हूँ. सो मैं एक न्यू चैनल खोल लेती हूँ. तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा डांसिंग वीडियोस बना के, बहुत फेमस है. सो मैं वो वीडियोस डांसिंग चैनल खोल लेती हूँ. पर उस चीज़ में मेरी क्षमताएं है, लाइक अगर आपको कोई भी चीज़ करना है तो उसमें आपकी 100% एबिलिटी होनी चाहिए, है ना, कि आप उसको कंटिन्यू कर पाओ. हम दूसरों को देख के, दूसरों को कॉपी करके ज्यादा दूर नहीं कर चल सकते. जब तक वो कर रहे हैं तब तक हमसे होगा. जब हम जिसको कॉपी कर रहे हैं वो बंद कर देगा, देंगे वीडियो डालना या कुछ, वो हटके ऐसा करे जो आप, जिस रिगार्डिंग आप जानते भी नहीं हो, तब आपकी गाड़ी जाके रुक जाएगी. पहले खुद एक पेपर ले, उसमें क्वेश्चन मार्क करे, क्वेश्चन लिखिए कि अगर मैं ये काम करने जाऊँ तो मुझे ये मेरे में क्षमताएं होनी चाहिए. उसमें से आप में जो जो क्षमताएं है उसको टिक करते जाइए. फिर अगर आपको लगे नहीं इस चैनल खोलने में अगर एबिलिटी 100% होनी चाहिए, तो मैंने देखा कि मेरे में अभी 50% ही है, मुझे अपनी एबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज करनी है. सो अगर मान लीजिए आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट है, एबिलिटी भी थोड़ा कम भी है, तो अगर आप खुद को एनालिसिस करोगे, ऐसे सेल्फ रिपोर्ट तैयार करोगे, तो फिर आप उस फील्ड में आपकी एबिलिटी को आप बढ़ा भी सकते हो. सो दूसरों को देख के नहीं, खुद की एबिलिटी को देख के हमें खुद ये काम चूज करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं. दूसरी एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लोग क्या सोचेंगे. अरे लोग क्या सोचेंगे, अगर वो भी आप सोचने लग पड़े तो लोग क्या सोचेंगे. सो फॉरगेट अबाउट सोसाइटी. लोगों का काम ही है कुछ ना कुछ कहना, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, है ना. सो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको कुछ करना है, सो आप खुद के मन की सुनिए ना कि लोगों की. पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें रहना है सोसाइटी में. सोसाइटी का कुछ नॉर्म्स भी होते हैं, तो उनको ध्यान में रख के, यानी दूसरे का बुरा ना करके, अगर आप खुद के बारे में सिर्फ सोच रहे हो लोग क्या सोचेंगे ये ना सोच के, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. एक चीज ध्यान में रखना, जब आपके पास खाना नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा आपको फीड कराने के लिए. जब आपके पास पैसा नहीं होगा, कोई आके आपको 10-20 हज़ार दे के नहीं बोलेगा चल तू रख ले, है ना, कोई नहीं आता. हमें खुद का खुद ही देखना पड़ता है. और एक चीज, जो लोग मान लीजिए आज मैंने कुछ काम कर रही हूँ, मैं स्टार्टअप किया है पर उतना मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो लोग मेरे पीठ पीछे बोलेंगे कि अरे यार यार क्या कर रही है, मैंने तो पहले ही बोला था इससे नहीं होगा, है ना, पहले ही बोला था इससे नहीं होगा, पर फिर भी ये यही कर रही है, देखो कुछ नहीं होता. पर 4 साल बाद, 5 साल बाद अगर मैं उसी फील्ड में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई, यही लोग आके मुझसे बोलेंगे अरे मैंने तो बोला था तुझसे ही होगी, तू ही कर सकती है, मैं जानती थी तू कुछ ना कुछ जरूर करेगी. ऐसा ही होता है ना. कभी कभी हम लोग दूसरे को कॉपी करने लग पड़ते हैं, हमें लगता है कि यार ये जो कर रहा है बहुत अच्छा है, मैं भी अगर ऐसा करूंगी तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी, मैं भी लाइफ में कुछ अचीव कर पाऊंगी, मुझे ऐसा बनना है. तो इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करने लग पड़ते हैं उसको. सो डोंट कॉपी अदर्स, बी ऑब्जर्वेशन एंड लर्नर. सो ये एक बहुत कॉपी करने में एंड ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग में थोड़ा सा एक थिन लाइन है. अगर आप किसी को देख के कुछ सीख रहे हो, फिर अगर आप उसको खुद की तरीके से आप कर रहे हो, तो ये ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग है. पर अगर आप वो जो भी कर रहा है आप उसको कॉपी कर रहे हो, तो वो कॉपी है. आप अलग इंसान हो, वो अलग इंसान है, तो आप कैसे उसको कॉपी करके खुद सक्सेसफुल बन सकते हो, नहीं बन सकते हो. सो ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग बहुत अच्छी चीज है, पर वो थिन लाइन के इस पार ना आ जाए, इसका ध्यान रखना. हम लोग कॉपी तो कर लेते हैं लोगों को, पर हमें ये समझ में नहीं आती एक चीज है. अगर आपका कोई एग्जाम चल रहा है, यानी आप 10th स्टैंडर्ड में हो या आप नीट की एग्जाम दे रहे हो, जो भी, उधर क्वेश्चन पेपर्स तो सारे सेम है, तो अगर आप किसी दूसरे के पेपर को कॉपी करोगे तो हो सकता है आप एग्जाम में पास कर जाओ. पर हम लाइफ में जो कर रहे हैं वो भी एक एग्जाम ही है, हम हर रोज एग्जाम दे रहे हैं, है ना, पर हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग है, सो आंसर भी अलग होगा. अगर मैं किसी और को कॉपी करूंगी तो मेरा क्वेश्चन आंसर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी लाइफ के क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चंस की आंसर्स दे रहे हैं, मेरी लाइफ की नहीं. सो
किसी को कॉपी मत कीजिए, आप खुद में ही बहुत बेस्ट हैं, खुद को लेके कॉन्फिडेंट रहिए। एंड अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे में ये एबिलिटी है, तो उस चीज़ को लेके आप कॉन्फिडेंट रहिए एंड खुद की सेल्फ एस्टीम को गिरने मत दीजिए एंड उस फील्ड में आप बढ़ते जाइए। एंड कभी कभी हम तो खुद से भी झूठ बोलते हैं सिर्फ खुद की सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। हम ये भूल जाते हैं कि हम तो सारे लोगों से झूठ बोल सकते हैं पर खुद से नहीं। सो हो सकता है हमें बहुत सारी कमियां हैं पर कुछ हम में क्वालिटीज भी है, तो खुद से उसको पहचान करवाइए कि हाँ मेरे में ये कमियां है, मैं हूं ऐसी, मेरे में ये क्षमताएं नहीं है। हर किसी में हर चीज होनी जरूरी नहीं है, होती भी नहीं है। तो जो आप नहीं है वो बनने की कोशिश आप नहीं करें, मत कीजिए। जो आप नहीं है वो बनने की कोशिश आप मत कीजिए, उससे कुछ फायदा नहीं। आप खुद से ही झूठ बोलोगे एंड खुद ही अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो गए, है ना। सो खुद के साथ आप ट्रूथफुल रहिए, खुद से सच बोलिए एंड आप जैसे हो वैसे ही खुश रहने की कोशिश कीजिए। एंड खुद की जो काबिलियत है उसको निखारिए, उसको और ज्यादा पॉलिश कीजिए ताकि आप उस फील्ड में कुछ बेहतर कर पाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंपटीशन, कंपीट करना। हम दूसरों से कंपीट करने में माहिर है। अगर इसने मैथ्स में 90 ले आया तो मुझे नेक्स्ट बार एग्जाम में इसे ज्यादा लेके आना है। ये महीने का इतना हजार कमाता है तो मुझे ऐसा कुछ जॉब करना है ताकि मैं इससे ज़्यादा कमाऊँ। इसने इस महीने 4 ड्रेस खरीदी है तो मुझे नेक्स्ट मंथ में इससे ज़्यादा 6 ड्रेस खरीदना है। इसने 2 ज्वेलरी बनाई है, मुझे 5 ज्वेलरी बनाना है। इसने आईफोन खरीद लिया, मुझे भी खरीदना है इससे महंगा वाला। जो जिस फील्ड में रहता है वो उसी फील्ड में उससे जो थोड़ा बेहतर कर लेते हैं उससे कम्पीट करने में लग जाते हैं, है ना। पर कंपटीशन अच्छी चीज है, कंपीट करना अच्छी चीज है, पर दूसरों से नहीं, खुद से कंपीट करना होता है। हमें खुद का बेस्ड वर्जन बनना है ना कि दूसरों का। लाइक मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ, मेरी जो फ्रेंड है वो मैथ्स में बहुत अच्छी है, वो मैथ्स में 90 ले सकती है, मैं 40 में खुश हूँ, मेरी एबिलिटी 90 का है नहीं मैथ्स में। ओके तो चीज को समझना, अगर मैं उसके साथ कंपीट करने लग जाऊंगी कि मुझे 90 लेना है तो नहीं हो पाएगा, मेरी एबिलिटी नहीं है उसमें। जिसके मैंने पहले बोला था खुद की एबिलिटी को समझना। पर मैं हिस्ट्री में बहुत अच्छी हूँ, मैं हिस्ट्री में 90 ले सकती हूँ, पर ये हिस्ट्री में उतना अच्छा नहीं है। सो दोनों में अंतर है। आप खुद का बेस्ड वर्जन बनो कि मैं हिस्ट्री में अच्छी हूँ पर फिर भी मुझे 60% मिल गए, मैंने एक्सपेक्ट किया था 80% 90% मिले, तो इस एग्जाम में मुझे 60% मिला, ठीक है, पर नेक्स्ट एग्जाम में मैं ट्राई करूंगी कि मुझे 80% मिले। तो ये कंपटीशन अच्छी है, ये वाली नहीं। ओके, सबसे अच्छी चीज है आप खुश रहोगे, आप खुद से खुश रहोगे, आप ऐसे नहीं सोचोगे यार मैं तो यूजलेस हूँ। जैसे हम जब कुछ नहीं होता कि मैं ही सबसे बुरी हूँ, चाहे वो दिखने में कि लोग ये कितनी सुंदर है, जो भी पहनती है कितनी खूबसूरत लगती है, पर मैं कितनी अगली हूँ, मैं तो खूबसूरत नहीं दिखती। सो अगर आप खुद कॉन्फिडेंट रहोगे, खुद का बेस्ड वर्जन बनोगे, तो कोई आपको किसी फील्ड में नहीं हरा सकता एंड आपका मेंटल पीस बना रहेगा। ओके, एंड जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कुछ भी चीज फलक झपकते नहीं हो जाती, टाइम देना पड़ता है ना। अगर आप कोई भी ट्री प्लांट करते हो, पहले आप उसका बीज बोते हो, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है ना। पर आज आपने बीज बो दिया, कल ही वो पेड़ होके फिर आपको फ्रूट नहीं देगा, उसके लिए आपको वेट करना है। पर उस पेड़ का आपको ध्यान भी रखना है, ऐसा नहीं कि ये इतना नहीं बढ़ रहा है, इसका ग्रोथ अभी कम है तो इसको छोड़ो, दूसरा कुछ पेड़ लगा लो, ऐसा नहीं। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज कमेंट में मुझे बताना। सो मैं तैयार हो गई हूँ, अभी निकलना है एंड ये देखो 9 बजने को है एंड हमें जाना भी है बहुत दूर, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितना दूर है। रुक जाओ, दरवाजा खुला है पहले, ये देखो उसी घर में हम लोग जाने वाले हैं। अभी तैयार हो गए हैं,
और तुम भी तैयार हो गई हो। चलो खाना वाना खा के अभी चले आए हैं। सो आज का व्लॉग इधर ही खत्म होता है, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, स्टे हैप्पी, टाटा।